फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर का फोर्थ वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जिसका हेडिंग है इलेक्ट्रिक मोटर। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एक स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो वही उसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल मोटर को पढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल मोटर का जो प्रिंसिपल होगा हमारा वो वही होगा कि एक स्ट्रेट वायर एक कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा, एक कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ठीक है, करंट कैरिंग, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यही इसका प्रिंसिपल है। तो इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक मोटर के कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो इलेक्ट्रिकल मोटर का जो डेफिनेशन है वो है, ये है कि एक डिवाइस है ऐसा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, और स्पेशली मैकेनिकल एनर्जी में को मैकेनिकल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी स्पेशली, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर, ठीक है। तो डे टू डे लाइफ में अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज है इलेक्ट्रिकल मोटर का। तो उसका जो प्रिंसिपल है वो है करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर फोर्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, जो हमने लास्ट चैप्टर में, लास्ट जो टॉपिक है उसमें देखा भी है, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं जल्दी से कि यहाँ पे जो नॉर्थ साउथ पोल है तो इसका मतलब इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो इस जिसको बी से डिनोट कर देता हूँ मैं, तो उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, तो उन मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक कॉइल रखी है ए बी सी डी की। तो वो कॉइल किस चीज़ की है, वो कॉइल है कॉपर की है और उसके ऊपर इंसुलेशन है। इंसुलेशन मीन्स उसके ऊपर कवरिंग है रबड़ की या प्लास्टिक की, ठीक है, जो नॉर्मली वायर्स में होती है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर है, तो जो ये कॉइल है वो इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, इसकी बनी हुई है। तो इसको हमने कुछ इस तरह से रखा है और उसके साथ कुछ सी शेप के इस तरह से दो कम्यूटेटर लगे हुए हैं, उनको बोलते हैं हम स्प्लिट रिंग्स, S1 और S2 ये दिख रहे हैं जो। तो ये स्प्लिट रिंग्स हैं और उनको हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं। ये कनेक्टेड रहते हैं हमेशा ही इस लूप के साथ में, तो हमेशा ही कनेक्टेड रहेंगे लूप के साथ में, कनेक्टेड टू लूप ए बी सी डी, ठीक है, हमेशा ही कनेक्टेड रहेंगे। और जो ब्रशेज बी और बी बी वन और बी टू हैं वो स्टेशनरी रहेंगे, तो बी वन और बी टू हैं वो हमेशा अटैच रहेंगे इसके साथ, जो हमेशा यहाँ रहेंगे वो फिक्स रहेंगे, ठीक है, तो ये स्टेशनरी रहेंगे हमेशा ही। तो जो ये सर्किट है ये तो हमेशा ही स्टेशनरी रहेगा, लेकिन जो S1 और S2 हैं वो किसके साथ अटैच हैं, वो कॉइल के साथ में अटैच हैं ए बी सी डी के साथ में। जब कॉइल घूमेगी तो S1 S2 उसके साथ घूमेगा, तो S1 S2 अटैच हैं कॉइल के साथ में, कॉइल घूमेगी तो S1 S2 भी घूमेंगे, लेकिन जो ब्रशेज़ हैं B1 और B2 वो फिक्स हैं, वो सर्किट के साथ फिक्स हैं। तो ब्रशेज़ का काम क्या है इन स्प्लिट रिंग्स के साथ में, तो ब्रशेज़ का काम है सर्किट को कंप्लीट करना, क्योंकि अगर ब्रशेज़ ब्रशेज़ स्प्लिट रिंग के साथ टच है और स्प्लिट रिंग से वो कॉइल टच है तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा करंट का, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग्स हैं वो रोटेट करती रहती है कॉइल के साथ में, ठीक है, स्प्लिट रिंग कंटेक्ट बना के रखता है, कम्यूटेटर है एक कॉइल का। तो वर्किंग कैसे है इसका देखते हैं हम। तो अगर हम बैटरी को ऑन कर देते हैं की को, तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में B1 से S1 होके A2B जाएगा, B2C जाएगा, C2D जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा। तो हमने प्रिंसिपल क्या पढ़ा था, एक करंट कैरिंग वायर है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो करंट कैरिंग वायर ये है ABC, ए अगर AB पार्ट को देखें हम, तो AB पार्ट वायर के अंदर करंट कुछ A से B की डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ उसके परपेंडिकुलर है, तो फोर्स निकालना है। तो लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट हमारा इस डायरेक्शन के अंदर है, तो फोर्स हमारा कहाँ है, नीचे की तरफ। तो ए बी कंडक्टर के ऊपर, ए बी वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हमारा नीचे की साइड लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली सी डी वायर के ऊपर चेक करेंगे, सी डी वायर पे देखेंगे तो सी डी वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, थंब ऊपर की डायरेक्शन के अंदर है, तो हमारा जो फोर्स लगेगा इसमें ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। तो इसमें नीचे लग रहा है, इसमें ऊपर लग रहा है, तो इस एक्सिस से अगर हम देखें यहाँ आई से कुछ देखें यहाँ से, तो ये जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगी इस तरह से। अच्छा, जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो हाफ रोटेशन के बाद में क्या होगा, ये कॉइल कैसी हो जाएगी, सी डी पार्ट इधर आ जाएगा, ए बी पार्ट इधर आ जाएगा। तो ये हाफ रोटेशन के बाद में, हाफ रोटेशन के बाद में कैसा हो जाएगा, ये कॉइल कुछ इस तरह से दिखेगा अपने को, कि इसका जो सी डी पार्ट है वो इस साइड आ जाएगा,
और ए बी पार्ट इस साइड आ जाएगा। तो अब क्या होगा, जो स्प्लिट रिंग भी बदलेंगे तो एस टू स्प्लिट रिंग यहाँ आ जाएगा, एस वन स्प्लिट रिंग यहाँ आ जाएगा। और ब्रशेज़ क्या हैं, ब्रशेज़ फिक्स हैं। इसके साथ जो ब्रशेज़ हैं वो बी वन है, और इसके साथ ब्रशेज़ है वो बी टू है। तो बी वन के साथ एस टू होगा, बी टू के साथ एस वन होगा हाफ रोटेशन के बाद में। तो करंट कैसे फ्लो होगा, करंट तो सर्किट तो वैसा ही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट तो ऐसे ही फ्लो होगा। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और ऐसे फ्लो हो रहा है, सेम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से बनेगा। इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, रोटेशन कुछ एंटी क्लॉकवाइज करता रहेगा। तो हाफ रोटेशन के बाद दोबारा इसी तरह से आ जाएगा सेम, तो ये साइकिल चलता रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जो मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज, ये जो कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहेगी। अगर इसके साथ एक्सिस के साथ में अगर मैं कुछ कनेक्टर, कुछ इस तरह की कोई चीज़ लगाऊं मैं इस एक्सिस के साथ में, ठीक है, तो अगर वो एक्सिस, ये जो एक्सिस है एक्सिस के साथ लगाऊंगा, तो अगर ये कोयल घूमेगी तो वो चीज़ भी घूमेगी। ठीक है, तो उसी को हम एज ए मैकेनिकल एनर्जी की यूज़ की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जिसको हम शाफ्ट भी बोलते हैं, तो शाफ्ट की तरह काम करेगा, घूमेगा, तो उसको एज ए मैकेनिकल एनर्जी की तरह हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इस घूमने को, तो वर्किंग इसकी ये है। ठीक, प्रिंसिपल इसका, कंडक्टर को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से हमने देख लिया कि फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है इसके अंदर, तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ करने को देख भी सकते हैं, अगर मैं नॉर्थ साउथ पोल्स को आपस में चेंज कर दूँ, इधर साउथ लें इधर नॉर्थ लें, तो क्या होगा, तो क्लॉकवाइज घूमेगा, लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ भी करके करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूँ क्या होगा, फिर वो दोबारा एंटी उल्टी डायरेक्शन के अंदर घूमेगा। तो चाहे करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूँ, चाहे मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन चेंज कर दूँ, तो जो रोटेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कैसा यूज़ करना है, क्लॉकवाइज यूज़ करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, यूज़ के हिसाब से हम जो करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसका यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये जनरली हमने यहाँ पे जो सर्किट यूज़ किया है वो डीसी सर्किट यूज़ किया है, तो इसलिए मोटर है वो डीसी मोटर है। ठीक है, एसी मोटर की बात हम नहीं करेंगे इस चैप्टर में, तो ये डीसी मोटर है। ठीक है, तो जनरली जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेट, जो हमारा मोटर का जो स्ट्रेंथ है, जिसको हम मोटर स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है, मोटर स्ट्रेंथ, तो मोटर स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, तो वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहला फैक्टर है उसका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। अगर मैं मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दूंगा तो ये जो मोटर है वो मोटर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और जल्दी मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, जनरल सी बात है, मैग्नेटिक, अगर मैं स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगा मैग्नेट्स की तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा है कि करंट, अगर मैं करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दूँ तो सिमिलरली फोर्स बढ़ जाएगा, और तो फोर्स बढ़ जाएगा तो मोटर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तीसरा है नंबर ऑफ कॉइल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ कॉइल्स को बढ़ा दूँ, जो कॉइल्स हैं इसके ऊपर ज़्यादा वाउंड कर दूँ कॉइल्स को मैं, ठीक है, एक से ज़्यादा एन नंबर ऑफ कॉइल्स कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, मोटर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जो हम घरों में कॉमर्शियल मोटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल मोटर्स, उसमें क्या होता है, उसी में यही कंसेप्ट होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट कैसे बढ़ाते हैं उसके अंदर, हम उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा क्या करता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट बढ़ा देता है। अच्छा, करंट, करंट अगर हम डीसी करंट ज़्यादा ले लें, और नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाने के लिए उसमें क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक जो हमारी एक जो कॉइल है उसके बीच के अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन होता है उसके अंदर, सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं इसको, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर क्या होता है, जो कॉपर वायर है उसकी वाइंडिंग होती है, ठीक है, उसको वाउंड कर देते हैं, उसको जो हम नाम बोलते हैं आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में भी है वर्ड आर्मेचर, तो आर्मेचर क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने जो कॉइल्स को वाउंड कर दिया है। तो जनरली जो कमर्शियल मोटर्स है उनके अंदर आर्मेचर इस तरह से यूज़ होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है मोटर की, तो मोटर की स्ट्रेंथ इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक, तो हमने वर्किंग देख लिया, प्रिंसिपल देख लिया, इनके हर जो कंपोनेंट्स है वो देख लिए। ठीक है, और उसके बाद हमने स्ट्रेंथ के देख लिया किस तरह से काम करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटर पे हमने हर चीज़ देख लिया, तो इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस सिंपल ही बनेंगे, इसकी वर्किंग पूछ लेगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो लेक्चर के साथ में अब तक जो हमने कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल मोटर तक, तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने बार मैग्नेट से स्टार्ट किया था, एक्सपेरिमेंट भी किए एक दो, उसके बाद हमने फोर्स देखा करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, फोर्स देखे, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल मोटर किया। ठीक है, हमने मैग्नेटिक फील्ड्स देखे कि वो किस तरह से हैं मैग्नेटिक फील्ड्स, तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल रहा हूँ, तो आप उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इसका उल्टा इफेक्ट, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम जनरेटर्स के कंसेप्ट में पढ़ेंगे, जनरेटर्स जो होते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो जनरेटर का जो प्रिंसिपल रहता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही रहता है। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड्स का रिलेटिव मोशन या मैग्नेट्स के रिलेटिव मोशन हमें इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करके देता है, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।